दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई टैक्सल। टैक्सल गाइज एक प्रेडिक्शन गेम है, प्रेडिक्शन करो और जीतो। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, 0 to 9 तक आपको नंबर्स मिलेंगे, उसमें आपको एक कोई नंबर प्रेडिक्ट करना है, और अगर आप सेम नंबर अगर आप जीत जाते हैं, वो नंबर अगर आपका आ जाता है, तो आपको 9 times आपको कॉइन्स मिलेंगे। मतलब अगर आप 1 coin लगाते हो तो आपको 9 coins मिलेंगे, अगर आप 10 coins लगाते हो तो आपको 90 coins मिलते हैं। तो गाइज ऐसे ही 9 times आपको कॉइन्स मिलेंगे, और इसका सिंपल सिंपल सा है कि आपको रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसका रेफरल अगर अमाउंट्स क्या है, आपको रजिस्टर करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ओके करना है, और आपको यहाँ पे नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और करेंसी आपको टैप पिक करके आप INR डाल सकते हो, डाल दो, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है, और रेफर कोड, रेफर कोड के जगह पे गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड मिल जाएगा, आप वहाँ से रेफर कोड यूज़ कर सकते हो, और आपको 20 coins फ्री मिलेंगे। ठीक है गाइज, जो जिनका रेफर आप यूज़ करोगे उनको 10 coin मिलेंगे, और जो रेफर वो यूज़ करेगा उसको 20 coins मिलेंगे। तो जल्दी जाओ गाइज और डाउनलोड करो और खेलो गाइज। ये मैं पर्सनली ये गेम मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत मज़े कर रहा हूँ, इस गेम में बहुत मज़ा आ रहा है गाइज। हेलो गाइज, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं पाई के ऊपर। पाई में आज 2 topic पे हम बात करने वाले हैं। पहला तो KYC के ऊपर बात करने वाले हैं, और सेकंड हम जो बात करने वाले हैं वो अगर आपका आपको जिसने इनवाइट किया है, आपको जिसने रेफ़र किया है, वो अगर माइनिंग बंद कर दे तो क्या होगा। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैं ये टॉपिक को कवर कर रहा हूँ आज। और KYC के ऊपर मैं बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो KYC कर रहे हैं ये OT ऐप से या फिर जो भी है ये फेक है। तो मैं गाइस बता दूँ, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था ये चीज़, लेकिन मैं आज की वीडियो में भी बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये फेक है। तो गाइज हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर मैं वीडियो में जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ वो आपके आपके भलाई के लिए दिखाता हूँ, ये नहीं कि मैं मेरी वीडियो की कई लोग, एक बंदे ने तो मुझे लिख के भेजा था, कमेंट किया था कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो ऐसी वीडियो मत बनाओ, कोई दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर लो। यार व्यूज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ मेरे भाई, ये मेरा बस सिर्फ समझ लो कि टाइम पास है, सिर्फ टाइम पास के लिए मैं करता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। तो गाइज आप लोग ऐसी चीज़ें मत बोला करो यार, बहुत हर्ट होता है सुन के। काफ़ी लोग बोल रहे हैं फेक है ये KYC जो बता रहे हैं ये फेक है, ऐसा कोई पाई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो मैं बता दूं गाइज, पाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन किसी किसी को आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। जिसको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है वो OT ऐप के थ्रू अपना KYC कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट जो वीडियो KYC की बनाई है उसमें मैं थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के वजह से वो वीडियो का वो पार्ट जो है वो मिसिंग रह गया है, कि मैंने वो वीडियो ध्यान नहीं दिया था जिसे और मैंने अपलोड कर दिया, तो वो पार्ट जो है कि मिसिंग रह गया। कि जब तक मैं बताने वाला उसमें मैंने यही बताया था कि आइडेंटिटी वेरीफिकेशन जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं आया तब तक आपको KYC नहीं करना, तब तक आपको OT ऐप से KYC नहीं करना है। अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आपने कर लिया है तो, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी मत करो, आप वेट करो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का सीन ऐसा हो गया है गाइज कि वो किसी किसी को चुनिंदा लोगों को आ रहा है और रैंडमली वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, रैंडमली लोगों को आ रहा है, ऐसे सबके सारे लोगों को KYC करने के लिए अभी नहीं आया है, कुछ कुछ लोगों को आया हुआ है। और मैंने भी, मैं बता दूँ मुझे नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये OT ऐप से KYC किया, और मैंने उस वीडियो में यही बताया है कि आपके जब तक आइडेंटिटी वेरीफिकेशन ना का ऑप्शन ना आए तब तक आप OT ऐप से आप KYC ना करें। लेकिन मैंने किया खुद का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने किया। और OT ऐप से बाद में भी आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के बाद भी आपको वेरीफिकेशन करना ही है, KYC करना है, इससे अच्छा मैंने पहले कर लिया। ठीक है, OT ऐप से वेरीफिकेशन पहले कर लिया, मुझे सारा ऑप्शन दिखाते गया, मैं करते गया, आपको पूरा का पूरा लाइव दिखाया हुआ मैंने उस वीडियो में। तो अगर आपको लगे कि आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं आया है ऑप्शन, आपको ये आइडेंटिफिकेशन वेरीफिकेशन का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 dots पे क्लिक करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद गाइज मैंने नॉड ओपन किया इसलिए नॉड मेरे ही दिखता है, तो हाइड रियल नेम के जस्ट नीचे आपको दिखेगा वेरीफिकेशन का ऑप्शन, फेसबुक वेरीफिकेशन, फ़ोन नंबर वेरीफिकेशन, और उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिखेगा आइडेंटिटी वेरीफिकेशन, और यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट, तो स्टार्ट पे आपको क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको OT के थ्रू बोलेगा वो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए।
तो गाइज़ ये चीज़ है, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो आप OTA ऐप से वेरीफिकेशन कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मत करिए, आप वेट करिए वेरीफिकेशन करने के लिए OTA ऐप से। तो ये रहा पहला आपका क्वेश्चन का आंसर। और गाइज मैं बता दूँ, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, तो गाइज ये फेक बिल्कुल भी नहीं है, ये सही है, रियल है। आप लोग अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनकेस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं मेल करूँगा पाई नेटवर्क को और वो रिजोल्यूशन उसको सॉल्व करवाऊँगा, अपने तरफ से मैं करूँगा सारा मेहनत। तो गाइज़ आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप जिन्होंने कर लिया है वो लोग टेंशन ना लें, जिन्होंने नहीं किया वो लोग अभी वेट करें अपने आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का, अगर ऑप्शन आ गया तो आप फिर OTA से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, ताकि डाउट होगा, कई सारे लोगों को डाउट हो जाएगा होगा फिर भी कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप जाके वीडियो को देख के आप उस हिसाब से आप अपनी KYC कर सकते हैं। और सेकंड जो था कि गाइज़ कि आप लोग बोल रहे थे कि आपको जिसने रेफ़र किया है वो अगर माइनिंग बंद कर दिया तो क्या इससे नुकसान होंगे और क्या फ़ायदे होंगे। देखो, अगर उसने बंद कर दिया तो आपकी जो नुकसान क्या है, फ़ायदा तो ये है कि जो आपने इकट्ठा किया है पहले का, जो भी आपने पाई कॉइन्स जो इकट्ठे किए हैं, पाई जो इकट्ठे किए हैं वो आपके पड़े रहेंगे, वो फ़ायदा है आपके पड़े रहेंगे, वो जाने वाले नहीं है। लेकिन जो उसके बाद जो फ्यूचर फर्दर जो आपको पाई जो स्पीड मिल रही थी उसके ऊपर, उस बंदे के ऊपर, उस बंदे के माइनिंग के ऊपर आपको जो स्पीड मिल रही थी, थोड़ी आपको स्पीड बढ़ गई थी, वो स्पीड आपकी बंद हो जाएगी और आपकी माइनिंग उस बंदे के रेफर से आपको माइनिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंपल सा यही है गाइज, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा यही है कि अगर आपके अपलाइनर ने, आपके अपलाइनर के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, अगर उसने माइनिंग बंद कर दी, बंद करने से क्या होता है प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, मतलब उस बंदे के की जो स्पीड मिलती है उस बंदे के थ्रू वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी, बस यही आपको लॉस होने वाला, और कोई लॉस नहीं है। अगर वो बाद में एकदम से हमेशा के लिए बंद कर देगा तो भी आपको यही हमेशा के लिए यही लॉस होगा कि हर दिन आपका वो पाई उतना पाई जो है कि आपको माइनस हो जाया करेगा, मतलब आपको मिलेगा नहीं, वो स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी माइनिंग की, यही प्रॉब्लम होने वाला। अगर उसने एक दिन दो दिन के लिए बंद किया फिर उसने स्टार्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो दिन के लिए आपका वो स्पीड कम होगी फिर आपका स्पीड बढ़ जाएगी अगर उसने स्टार्ट कर दिया, तो यही प्रॉब्लम है गाइज, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने, आपके डाउट्स जो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो कमेंट करते हो वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। और गाइज हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जेन्युइन क्वेश्चन पूछा करो यार, मैं रिप्लाई आप लोग कोशिश करता हूँ, मैं सबको रिप्लाई देने की, मैं मोस्टली 95% लोगों को रिप्लाई देता हूँ, 5% लोगों को रिप्लाई अगर नहीं दे पाता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, या तो फिर वो बंदे कुछ ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मैं आपको रिप्लाई क्या दूँ, ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। तो गाइज़ ये रही आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो गाइज़, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो गाइज़, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को यार, मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, मेरे मेहनत को थोड़ा सा तो मेहनत को वो दिया करो यार, एक वैल्यू दिया करो, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करते रहो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और गाइज़ अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। गाइज़ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।